हरे कृष्णा। देखो अभी ये जो जगह पर आए हैं इसका नाम है कोयला कोकिला वन। अभी जाबट से हम लोग यहाँ पर आए, एक समय कृष्णा जाबट में गए राधा रानी से मिलने के लिए, लेकिन जब जब उन्होंने दरवाजा खटखटाए तब तक जटिला और कुटिला उठकर बोले ए कौन हो तुम। कृष्णा एक बेर का वृक्ष था, वो बेर को वृक्ष के कृष्ण छुप गए। थोड़ी देर बाद में फिर कृष्ण खटखटाए बोले राधा रानी आएगी शायद मिलेगी, लेकिन कृष्ण रात भर उन्होंने कोशिश की राधा रानी से मिलने के लिए, लेकिन किसी तरह से मिल नहीं सके। इतने में कृष्ण को तो बड़ा क्रोध आया, बोले दारी के तुमने हमारे राधा रानी को साथ में रात भर हमने कोशिश की मिलने के लिए, तुमने मिलने नहीं दी। मैं ऐसे काम करूंगा ना तुम खुद मेरे साथ में राधा रानी को मिलाओगे। कृष्णा यहीं पर आए, यहीं पर आकर कृष्णा बड़ी सुंदर उनने कोकिल कोयल आवाज से कुहू 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 बड़े सुंदर उन्होंने यहीं पर आवाज निकाली। जब आवाज निकाली यहाँ पर जटिला कुटिला आई थी, जटिला कुटिला कंड सास और ननद यहीं पर आई थी। उन्होंने जीवन में बड़े तो कोकिल का स्वर सुने, लेकिन कृष्णा जब स्वयं कोकिल का अगर आवाज निकाले, उनका नाम ही कृष्णा, कृष्ण मतलब क्या, क्री मतलब होता है आकर्षण करना, अस्ना मतलब होता है आनंदना, जो हर जीव को जो आनंद प्रदान करते हैं। इतने सुंदर ध्वनि से कुहू कुहू बोले, जटिला कुटिला सोचे जीवन में हमने बहुत सारे कोयल की आवाज तो सुनी, लेकिन इतने सुंदर कभी सुने नहीं। तब तो उन्होंने जा करके राधा रानी ललिता विशाखा को बोले आज हमने बड़े सुंदर एक कोकिल का आवाज सुना, कभी हमने सुना ही नहीं। इतने में ललिता विशाखा भी आई, बोले हमने भी सुना बड़ी सुंदर कोकिल सो रहे है, क्या हम जाकर मिल सकते हैं। बोले जाओ एक बार जाकर उनसे मिलो। इतने राधा रानी तो समझ गई, क्योंकि कोकिल का आवाज तो कोकिल का आवाज, नया कोकिल का आवाज कहां से आएगा। राधा रानी को पता चला और कोई नहीं, वही काला ही होगा। इसलिए यहीं पर जब राधा रानी और सखियों के साथ में आए और उन्होंने जब कोकिल स्वर से उन्होंने बड़ी सुंदर आवाज सुनी, किंतु राधा रानी का एक विशेष भावना किया, कृष्ण के बगैर उनकी मन प्राण चित्त को और कोई भी आकर्षण नहीं कर सकते हैं। केवल कृष्ण का नाम रूप गुण ही राधा रानी को आकर्षण कर सकते हैं। इतने में राधा रानी तो समझ गई ये और कोई नहीं। तब उन्हें ढूंढते ढूंढते आकर के देखा, क्या देखा, कृष्ण ही कोकिल स्वर से सुंदर सुंदर कुहू कुहू आवाज निकाल रहे। यहाँ पर राधा कृष्ण की यहीं पर उन्होंने मिलन हुई थी, और यहीं पर स्थान का नाम है, आसपास का नाम कोसी। कोसी का दो अर्थ है, यहीं पर नंदवा का कोषागार था, इसलिए ये स्थान का नाम भी कोसी है। और को असी मतलब तुम कौन हो है। यहीं पर ही किस समय श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने के लिए आए, दरवाजा खटखटाए। जब दरवाजा खटखटाए इतने में राधा रानी बोले कोसी बोले तुम कौन हो को असी। इतने में कृष्ण ने सोचा मेरे अनंत नाम है, मैं एक नाम बोलता हूँ, बोले मेरा नाम मधुसूदन, क्योंकि भक्तों का प्रेम रूपी मधु हमको जो आस्वादन करते हैं। लेकिन राधा रानी तो गांधर्वी का हर अर्थ को दो दो अर्थ कर सकती हैं। इतने में राधा रानी बोले मधुसूदन मतलब जो मऊमाछी मतलब मधुमक्खी है। बोले भैया मधुमक्खी तो हमको काट जाएगा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। कृष्ण ने देखा तो बड़ा चालाक, मेरे नाम को दूसरा अर्थ करा दिया। फिर राधा रानी फिर उन्होंने कृष्ण दरवाजा खटखटाए, राधा रानी बोले कोसी बोले तुम कौन हो। कृष्ण बोले नया नाम बोलता हूँ, बोले मेरा नाम घनश्याम। घनश्याम मतलब क्या है, कृष्ण का जो रंग है वो नया मेघ जैसे। लेकिन राधा रानी दूसरा अर्थ कर दिया, बोले घनश्याम बोले बरसालू मेघ, भैया यहाँ बरसात हो जाएगा ना कीची कीची हो जाएगा, जरूरत नहीं, जहाँ खेती वहीं पर तू जा वहीं पर बरसात कर। इतने में कृष्ण फिर खटखटाए, बोले कोसी बोले तुम कौन हो। कृष्ण बोले और एक नया नाम, बोले हरी, क्योंकि भक्तों का मन प्राण चित्त को जो हरण करते हैं, दुख कष्ट को जो हरते हैं वो हरी। इतने में हरि का संज्ञावाची में एक नाम होता है सिंह शेर। बोला अरे शेर कहाँ से आएगा, खा जाएगा भैया, भागो यहाँ से, तू भागो। इतने में ऐसे ही लास्ट बोले कृष्णा, बोले कृष्ण काला साहब कहाँ से। ऐसे ही यहाँ पर जितने कृष्ण अपना नाम बताया ना, राधा रानी उसकी डबल डबल अर्थ कर दी। लास्ट में कृष्ण हार गए, बोले हे राधे मैं हार गया तू ही जीत गई, अभी तो दरवाजा खोलो
अभी राधा रानी दरवाजा खोले और उनको साथ में यहीं पर मिलन हुई। ये जो कुंड यहाँ पर देखे हो इसका नाम रत्न कुंड है। ब्रज गोपियों ने अपना दूध से ही ये कुंड को बनाया था। जिस कुंड से दिव्य दिव्य रत्न निकला था निकलता था, इसलिए गुरुदेव कहते असली जो रत्न है भगवान की प्रेम भक्ति रस ही असली रत्न है। जहां पर आचमन करने से स्नान करने से कृष्ण भक्ति रूपी जो रत्न जीव को ये प्राप्त होता है, इसलिए ये स्थान अत्यंत अत्यंत रमणीय स्थान है। ये कोकिला वन में आए इसलिए कृष्ण हमारी मन प्राण चित्त को जैसे चुरा करके सुंदर सुंदर कुहू कुहू स्वर से चुरा करके अपना चरण की भक्ति हमें प्रदान करी, यही हमारी प्रार्थना है। बोले श्री कोकिला बन की कर दो क्या। हाँ हरे कृष्ण। हाँ इधर सुना, अभी हम लोग जहाँ जाएंगे चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी बहुत चरण पहाड़ी, लेकिन अभी वहां से शायद एक दो साल से नहीं जा रहे थे क्यों कहीं बस जाकर फंस जाती थी, लेकिन लगता है इस बार शायद रोड अच्छा होगा, धीरे धीरे हम जाने के लिए कोशिश करेंगे जाने के लिए, इसलिए बस वाला को थोड़ा बोल देना महाराज वो रास्ता बस जहाँ तक पहुंचेगी वहीं पहुंचेंगे। हाँ, बस हमको जहाँ ले जाए हमें बस का पीछा करो, आगे मत जाना, चरण पहाड़ी में जाने का प्रयास करेंगे हम। हमारा प्रसाद दोपहर का प्रसाद वापस यहीं से 1 किलोमीटर में, हमको वापस प्रसाद पाने के लिए आना पड़ेगा यहीं पर। तो पहले हम चरण पहाड़ी दर्शन करके यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए आएंगे, इसके इसी रोड से आगे 1 किलोमीटर है पास में है, यहाँ यही दोपहर प्रसाद आगे जा नहीं सकते। चरण पहाड़ी हम बहुत सारी चरण पहाड़ी में गए, लेकिन यहाँ पर अभी भी कृष्ण की इतने बड़े बड़े चरण है, इतने बड़े बड़े चरण है। हाथी के खुराक चरण चिन्ह है, हिरण का चरण चिन्ह, अनंत चरण चिन्ह, सबसे ज्यादा चरण चिन्ह वहाँ पर है। अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे और बस वाला को थोड़ा बोल देना, थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी को चलाए, बस को चलाए।